Hello friends, I welcome you all on YourPedia Education. So today I am going to give you updates, and that is from winter admissions, so that are going on various reputed institutes in India. So that is from IITs, IISc, IISER and other various institutes. Okay, so let's discuss this table in which I have mentioned the institute name, last date to apply and the program name and what is the selection process. Now first, in this row I will say that is IIT Gandhi Nagar, जिसका डेट अभी जा चुका है 24th of August था इसका, ठीक है। डायरेक्ट पीएचडी और एमटेक 2 पीएचडी इसमें था, ठीक है। इसका लास्ट डेट ऑलरेडी आउट हो चुका है। IIT इंदौर आई विल से इसका लास्ट डेट अभी है तो 27th of October to 10th of November। तो 27th अक्टूबर से 10th ऑफ नवंबर तक अलग अलग इसकी लास्ट डेट्स हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओके, दैन दिस बायोलॉजिकल साइंसेज एंड दैन सिविल, स्पेस इंजीनियरिंग। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनकी लास्ट डेट आई विल से, सो दैट इज़ डिफरेंट। तो प्रोग्राम क्या है, सो दैट इज़ पीएचडी, एमटेक 2 पीएचडी, नॉट डायरेक्ट पीएचडी, एमटेक 2 पीएचडी। तो इसमें वैलिड गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू प्लस एसओपी प्लस एलओआर इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी बॉम्बे इसकी लास्ट डेट जा चुकी है, अहमदाबाद की स्टिल लास्ट डेट है 17th of January। तो एफपीएम, डायरेक्ट पीएचडी, एमटेक टू पीएचडी, बीटेक, एमटेक एलिजिबल हैं। तो लास्ट 2 ईयर्स में अगर लास्ट 2 ईयर्स का गेट आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कैट, जीआरई, जीमेट का स्कोर भी वैलिड है और इंटरव्यू होगा, ठीक है। आईआईटी गांधीनगर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। आईआईटी मद्रास, आईडीआरपी, सो ऑलरेडी जा चुका है इसका डेट, ठीक है। आईएनएसटी की डेट जा चुकी है। आईआईटी गुवाहाटी के कुछ आई विल से कुछ डिपार्टमेंट्स में जो प्रोग्राम्स निकले थे, डायरेक्ट पीएचडी और मास्टर्स टू पीएचडी, उनकी भी डेट जा चुकी है। नेक्स्ट वन इज़ आईआईएसईआर पुणे। आईआईएसईआर पुणे, आईआईएसईआर, जितने भी आईआईएसईआर हैं, ये आई विल से जो पीएमआरएफ स्कॉलरशिप है जो कि 70,000 टू 75,000 के बिटवीन होती है, तो वो काफ़ी अच्छा अमाउंट रहता है ये, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप यहाँ पर आपको मिलता है, इवन आईआईटीज़ में भी मिलता है। तो 21st October टू 30th of October इसकी लास्ट डेट आप चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट पीएचडी एंड पीएचडी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। आपके पास वैलिड गेट, नेट स्कोर हो और साथ में इंटरव्यू आपका होगा। देन आईआईएसईआर कोलकाता, सिमिलरली 15th November लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो किसी ने अगर मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी है, एमएस है, एमटेक है, तो वो पीएचडी में जा सकता है। फाइनल ईयर मास्टर स्टूडेंट्स आल्सो अप्लाई। तो इसके लिए आपको नेट गेट चाहिए प्लस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, क्लियर है। इसके अलावा और जितने भी आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट शो हो रहे हैं, इनकी डेट्स जा चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज़ आईआईएसईआर बहरामपुर, लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 5th of November, ठीक है। तो मास्टर्स टू पीएचडी के लिए यहाँ पर प्रोग्राम है, तो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो पीएचडी के लिए जा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट पीएचडी टेबल में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो जिसने एमएससी, एमएससी एमटेक किया हुआ है वो पीएचडी में जा सकता है। डिग्री होना चाहिए आपका बिफोर दिसंबर 2021, ठीक है। और डिग्री में आपके मास्टर्स में 60% हो या फिर 7 CPI हो, क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका नेट और गेट्स को रहेगा प्लस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। देन आईआईटी रोपड़, ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हैज़ बीन मेड। तो जितने भी आईआईटीज़ हैं और जितने भी और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, इन पर डिटेल्ड वीडियो आई हैव ऑलरेडी मेड और डॉक्टर विजेंद्र हैज़ मेड, सो यू कैन चेक YourPedia यूट्यूब चैनल। ओके, तो आईआईटी रोपड़ लास्ट डेट टू अप्लाई 8th of November, डायरेक्ट पीएचडी है यहाँ पर। तो इसका 8 CGPA है या 75% है बैचलर्स में प्लस वैलिड गेट स्कोर है, तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए जा सकता है, ठीक है। पीएचडी करना है, मास्टर्स किया हुआ, एमटेक 2 पीएचडी भी है, 60% और 6.5 CGPA यहाँ पर है। गेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, चेक करना पड़ेगा डिपार्टमेंट वाइज। फाइनल ईयर बीटेक एलिजिबल फॉर डायरेक्ट पीएचडी, ठीक है। एंड रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा सिलेक्शन प्रोसेस में। आईआईएसईआर भोपाल है, सिमिलरली मास्टर्स टू पीएचडी आप जा सकते हो, नेट गेट का स्कोर हो प्लस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो। 1 नवंबर लास्ट डेट है। आईआईएससी बेंगलुरु, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, 31st of October। एमएस पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी के लिए यहाँ पर फॉर्म्स आउट हुए थे एंड आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस। तो यहाँ पर आपका जो गेट स्कोर है प्लस एकेडमिक्स परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू, तो गेट प्लस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इन सभी प्रोग्राम्स के लिए लास्ट डेट टू अप्लाई इज 31st of October। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया यार, आईआईएससी बेंगलुरु वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, आईआईटी रोपड़, ठीक है। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें जितने भी इंजीनियर्स हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली 31st of October, आईआईटी दिल्ली आल्सो 31st of October, ठीक है। तो आईआईटी दिल्ली में एमएस है एंड डायरेक्ट पीएचडी है एंड एमटेक टू पीएचडी है, एमटेक टू पीएचडी के लिए 60% और 6 सीजीपीए चाहिए, एमएस के लिए 60% और 6 सीजीपीए प्लस हाई गेट स्कोर। एमएस करना है आईआईटी दिल्ली से, हाई गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड। ओके, डायरेक्ट पीएचडी के लिए 70% और 7 सीजीपीए है प्लस गेट इज रिक्वायर्ड। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? सो दैट इज इंटरव्यू एंड एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इंटरव्यू, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, लेटर ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसके लिए आप यूरपीडिया की हेल्प ले सकते हो एंड यू कैन प्रिपेयर विद यूरपीडिया। ओके, देन ट्रिपल आई टी डेली, तो गेट कंपल्सरी नहीं है यहाँ पर। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हैज़ बीन मेड ऑन ट्रिपल आई टी डेली, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो डायरेक्ट पीएचडी करना है या फिर किसी ने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ पीएचडी करना चाहता है तो ट्रिपल आई टी डेली इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। अकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस एसओपी के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपका रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। गेट इज़ नॉट कंपल्सरी, तो अगर किसी के पास गेट नहीं है तो ट्रिपल आई टी डेली में आप जा सकते हैं, वहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। अब देखो क्या है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में, इस टेबल के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने जो गेट का जो रिक्वायरमेंट रखा हुआ है वो मेनली असिस्टेंटशिप के लिए है, और मेनली जिसने मास्टर्स किया हुआ है उसे गेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि वैलिड गेट स्कोर मांगते हैं। ओके, देन आईआईटी खड़गपुर 27 अक्टूबर लास्ट डेट है यार, 25 हो गई आज, तो 27 अक्टूबर ये अप्रोच कर रहा है। आईआईटी खड़गपुर में ज़रूर अप्लाई कर दें। देन दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक ज़रूर अप्लाई करें, इनका 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। देन आईआईटी खड़गपुर ज़रूर अप्लाई कर दें, यहाँ पर डायरेक्ट पीएचडी, एमटेक टू पीएचडी है, गेट प्लस ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल है, ठीक है। एमटेक जिसने किया हुआ है उसका 60% और 6.5 सीजीपीए हो पीएचडी करने के लिए। डायरेक्ट पीएचडी भी यहाँ पर है, अगर किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस थ्रू आउट अच्छा रहा है तो उसे डायरेक्ट पीएचडी के लिए कंसीडर किया जा सकता है। मेन बात, फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। आईआईटी कानपुर वेरी गुड आईआईटी आई विल से। तो आईआईटी कानपुर को जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ से अगर आप कोई कोर्स करते हो तो उसका 100% प्लेसमेंट है, अगर आप अच्छे से करते हो आईआईटी कानपुर से तो कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाता है आपका। तो 5 नवंबर लास्ट डेट है। तो आई विल से अगर आपको बी टेक से एम टेक या एम एस में जाना है तो बी टेक में आपका मिनिमम 55% और 5.5 सी जी पी ए होना चाहिए। डायरेक्ट पी एच डी करना चाहते हो, बी टेक टू पी एच डी, तो 75% हो बी टेक में या फिर 7.5 सी जी पी ए हो, ठीक है। देन इसके अलावा एम टेक टू पी एच डी भी यहाँ पर है। तो गेट रिक्वायर्ड है यार एम एस एम टेक पी एच डी के लिए, ठीक है, बट गेट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एम टेक टू पी एच डी, ठीक है। प्लस यहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो डायरेक्ट पी एच डी के लिए 75% और 7.5 सी जी पी ए, ठीक है। अगर एम टेक एम एस करना है तो बी टेक में 55% और 5.5 सी जी पी ए चल जाएगा, ठीक है। तो गेट मैंडेटरी नहीं है, मास्टर्स किया हुआ है अगर मास्टर्स से पी एच डी करना चाहते हो। आई आई टी हैदराबाद लास्ट डेट टू अप्लाई 3 नवंबर। डायरेक्ट पीएचडी या फिर एमटेक टू पीएचडी करना है आईआईटी हैदराबाद जा सकते हो। तो गेट चाहिए डायरेक्ट पीएचडी के लिए, एंड डिपार्टमेंट वाइज भी उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है, उसे ज़रूर चेक कर लेंगे हम। इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं मैं। प्लस अकेडमिक, थ्रू आउट अकेडमिक्स आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, प्लस रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो शॉर्ट लिस्टिंग में जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपका जो थ्रू आउट आपने अकेडमिक्स में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसे भी कंसीडर किया जाता है आपका एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। आईआईटी मद्रास, हाँ जी, 8 नवंबर लास्ट डेट है। आईडीआरपी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए ऑलरेडी डेट आउट, उसका लास्ट डेट जा चुका था, ठीक है। बट अब जो प्रोग्राम्स के लिए निकला है सो दैट इज़ एमएस, डायरेक्ट पीएचडी एंड एमटेक टू पीएचडी, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि आप विदाउट गेट भी जा सकते हो, बट आपको असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगा, उसे नॉन एसटीआरए बोलते हो, ठीक है। एसटीआरए में एडमिशन होगा, ठीक है। सो दैट इज थ्रू गेट। डिपार्टमेंट वाइज है ये भी इनका क्राइटेरिया, प्लस आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो गेट जो मेनली रखा गया है सो दैट इज फॉर असिस्टेंटशिप, ठीक है। सर गेट नहीं है तब भी जा सकते हो बट विदाउट असिस्टेंटशिप, ठीक है। बाद में अगर गेट क्लियर कर लेते हो देन वो आपको एसटीआरए में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरूर अप्लाई करें, इनके डिपार्टमेंट वाइज जरूर एक बार वेबसाइट चेक कर लें और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दें। आईआईटी गुवाहाटी 8 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। डायरेक्ट पीएचडी, तो बीटेक में अगर 7 सीजीपीए है और 70% है देन आप डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो आईआईटी गुवाहाटी में, ठीक है। एम मास्टर्स किया हुआ है, अगर मास्टर्स में 6 CGPA या 60% है, देन भी आप पीएचडी में जा सकते हो। तो गेट इज़ रिक्वायर्ड मेनली फॉर असिस्टेंटशिप। तो रिटन टेस्ट होगा, साथ में इंटरव्यू होगा, अकेडमिक परफॉर्मेंस होगा, उसको शॉर्ट लिस्टिंग में ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। अकेडमिक परफॉर्मेंस, गेट मेनली रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंटशिप, एंड डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने अपना शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है। IIT मंडी अगेन डिपार्टमेंट वाइज इसमें जो लास्ट डेट है, सो दैट वेरीज फ्रॉम 3rd of November टू 7th of November, ठीक है। तो यहाँ पर MS PhD के फॉर्म्स आउट हुए हैं, इवन डायरेक्ट PhD, ठीक है। अगर कोई MS करना चाहता है या फिर MTech टू PhD करना चाहता है या BTech टू PhD करना चाहता है, देन वो IIT मंडी में अप्लाई कर सकता है। गेट चाहिए इसमें, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, अकेडमिक परफॉर्मेंस अगेन इज अ शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। IIITM ग्वालियर 7th November लास्ट डेट है, ठीक है। तो जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, MTech या MS किया हुआ है, PhD करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है, इन सभी ब्रांचेज में, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक। तो इसमें गेट चाहिए, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, प्लस अकेडमिक परफॉर्मेंस। अब देखो क्या है, काफ़ी जगह मैंने इस टेबल में रिटन टेस्ट / इंटरव्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितना आया है, तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, या सिर्फ इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर। IIT पटना 15th November लास्ट डेट है, ऑलरेडी इस पर डिटेल्ड वीडियो में बना चुका हूँ कल। तो MS यहाँ पर है, बट नॉट फॉर रेगुलर कैटेगरी, रेगुलर के लिए नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए है, स्पॉन्सर्ड के लिए है, पार्ट टाइम के लिए है, ठीक है। तो और यहाँ पर मास्टर्स टू PhD कर सकते हो अगर आपके मास्टर्स में 6.5 CGPA और 60% है। डायरेक्ट PhD कर सकते हो अगर आपका BTech में 8 CGPA और 75% है। अब काफ़ी सारे IITs ऐसे हैं जहाँ पे सेल्फ फाइनेंस्ड कैटेगरीज देयर कि सर हम आपको असिस्टेंटशिप नहीं देंगे, उसके बावजूद आप क्या कर सकते हो, उस IIT या उस इंस्टीट्यूट में एनरोल कर सकते हो, विदाउट असिस्टेंटशिप आप अपना PhD कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट और नेट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, प्लस एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। देन अगेन नाइसर भुवनेश्वर 31st October लास्ट डेट। तो जो PhD करना चाहता है, ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, तो मेनली जो साइंस से रिलेटेड जो हैं जैसे IISCR, तो सिमिलरली नाइसर। तो गेट और नेट इज़ रिक्वायर्ड, प्लस LOR इज़ रिक्वायर्ड, प्लस इंटरव्यू यहाँ पर होगा। VIT अगेन आई विल से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, इसके 4 कैंपस हैं, वेल्लोर, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, भोपाल। तो 30th October इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट PhD करना चाहता है, अगर उसका BTech में 80% या 8.5 CGPA है, या जिसने ऑलरेडी MTech किया हुआ है उसका 60% और 6.5 CGPA है MTech में, तो वो PhD के लिए जा सकता है। तो मास्टर्स टू PhD एंड BTech टू PhD, ठीक है। तो विद और विदाउट गेट दोनों ही एलिजिबल हैं। कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा इस बार, खास बात है, ड्यू टू कोविड। जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स रहे हैं, प्लस SOP, प्लस इंटरव्यू, यहाँ पर आपका क्राइटेरिया रहने वाला है। अगेन यहाँ पर स्कॉलरशिप रहेगा। विदाउट गेट जाते हो तो आपका स्कॉलरशिप है वो दैट इज़ लेस, ठीक है। विद गेट जाते हो तो जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 31,000 एंड 35,000, वो आपको मिलेगा। IIT तिरुपति 10th November, IIT पलक्कड़ 10th of November, ठीक है। तो अगेन इन दोनों IITs में आप देख सकते हो, यहाँ पर MS भी है और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट PhD भी है और MTech टू PhD भी है। IIT तिरुपति में खास बात क्या है कि डायरेक्ट PhD सिर्फ वो IIT ग्रेजुएट्स के लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने IIT से अगर बैचलर्स किया हुआ है तो वो IIT तिरुपति से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। MS के लिए BTech प्लस गेट चाहिए आपको, और यहाँ पर भी पलक्कड़ में भी BTech प्लस गेट चाहिए, ठीक है। PhD MTech टू PhD प्लस गुड अकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, एंड MTech टू PhD गेट इज़ रिक्वायर्ड इन IIT पलक्कड़। अगेन फ्रेंड्स, मैं काफ़ी बार यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ, जब भी आपने मास्टर्स की होती है तो काफ़ी सारे IITs ऐसे होते हैं जो कि गेट नहीं मांगते, ठीक है। बट कुछ IITs ऐसे होते हैं जो कि मेंशन करते हैं कि आपको वैलिड गेट स्कोर इज़ रिक्वायर्ड, ओके। तो तिरुपति में भी गेट चाहिए, SOP SOR, अकेडमिक रिकॉर्ड, प्लस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। और IIT पलक्कड़ का जो सिलेक्शन प्रोसेस हो दैट इज़ SOP प्लस रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की IITs, ठीक है, जहाँ पर विंटर एडमिशन के फॉर्म्स आउट हो गए हैं। डायरेक्ट PhD हो, MTech हो, MS हो, या फिर मास्टर्स टू PhD हो, तो इन सभी प्रोग्राम्स के लिए इन IITs में, या आई विल से IISc, IISCR, नाइसर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गए हैं, फॉर्म्स आउट हो गए हैं। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है ज़रूर अप्लाई करें, ओके। एंड for seeking guidance regarding SOP, SOR, LOR, we are attaching a Google form in the description of this video. And if you want to prepare for mock interview also, so you can fill our Google form, and you, in case you are having any query, you can contact on the number given below. So thank you very much friends. Keep watching YourPedia. Thanks once again.